हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? यस, कैलीग्राफी। तो सभी लोग रेडी हो ना? तो आज हम अच्छी सी कैलीग्राफी करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 4 कैलीग्राफी बॉक्स दिए हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैलीग्राफी हमें दिखाई गई है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें 1 by 1 कैलीग्राफी बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का बॉक्स है, तो हमें 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे 5 बॉक्सेस बनाने हैं। 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट करना है, और ये जो 5 सेंटीमीटर का बॉक्स है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस बनाने हैं, जिस तरह से दिखाया गया है उस हिसाब से। तो हो जाएगा ना? ओके। तो अभी क्या करना है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, उस हिसाब से लाइनिंग है। तो सबसे पहले कौन सी लाइनिंग है? स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सेंटर से हमें एक लाइनिंग करनी है, इस तरह से एकदम आराम से करना है। यहाँ पे सेंटर पे लाइनिंग की, उसके बाद लेफ्ट साइड दूसरी एक लाइन, राइट साइड और एक लाइन, एक बॉक्स के अंदर हमें 3 लाइनिंग करनी है। रेडी। अभी दूसरे बॉक्स में स्लिपिंग लाइन करनी है, तो सबसे पहले हम सेंटर में लाइनिंग करेंगे, इसके बाद उसके ऊपर, और इसके बाद इसके नीचे की ओर। यहाँ पे 3 लाइन की है। अभी फिर से हम स्टैंडिंग लाइन करेंगे, पहले सेंटर में, फिर 1 साइड और दूसरी साइड। अभी फिर से अपोजिट करना है, स्लिपिंग लाइन सेंटर में, उसके ऊपर एक लाइन, इसके नीचे एक लाइन। अभी फिर से अपोजिट, स्टैंडिंग लाइन करनी है पहले सेंटर में करनी है, पहले बाद में साइड में और दूसरी साइड। इस हिसाब से नीचे की ओर इसका अपोजिट करना है, ऊपर स्टैंडिंग है तो नीचे स्लिपिंग से स्टार्ट करना है, पहले सेंटर में, बाद में ऊपर और उसके नीचे। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन करनी है, पहले सेंटर में करनी है एकदम, बाद में जो स्पेस बचता है उसमें एक सेंटर में लाइन, दूसरी जगह पे लाइन, इस तरह से 1 by 1 बॉक्स में हमें कैलीग्राफी करनी है। इनसे क्या होगा कि इनसे हमारी जो लाइनिंग है, स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, उसकी प्रैक्टिस हमें अच्छे से होगी। आ रहा है मज़ा? तो इस हिसाब से पूरे बॉक्स में ऊपर दिखाया है उस हिसाब से हमें लाइनिंग करनी है। तो ये पहली कैलीग्राफी हमारी रेडी हो गई। अभी दूसरी कैलीग्राफी, कौन सा शेप है ये लाइनिंग का? वेव्स लाइन। पानी दिखाते हैं ना, पानी के अंदर जब हम पानी बनाते हैं तो ऐसी वेव्स लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर ये लाइन दिखती है, पर पूरी लाइन बनाने के लिए पहले ऐसे लाइटली करना है, बाद में जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर देना है। एकदम आराम से हल्के से लाइनिंग बनानी है, ऊपर जिस तरह से दिख रहा है उस हिसाब से एकदम मस्त वेव्स। Thank you.
चारों कैलीग्राफी आज हमने सीख ली है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में कैलीग्राफी हमने सीखी है, तो इसको अच्छे से हमें बनाना है। रेडी हो ना आप? ओके, तो अच्छे से बनाओ, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।